महाकाल कॉरिडोर, जिसे महाकाल लोक कहा जा रहा है, उसके बनने के बाद उज्जैन में महाकाल मंदिर में जो यात्री पहुंच रहे हैं या आगे 12 तारीख से महाकाल लोक के ज़रिए पहुंचेंगे, उनके लिए बड़ी सुविधा हो जाएगी। पहले काफ़ी लोग जब यहां होते थे तो भीड़ होती थी, लेकिन अभी जो 350 करोड़ की लागत से महाकाल लोक का पहला चरण पूरा हुआ है, उसके बाद यात्री आराम से नंदी द्वार से अंदर आएंगे और भगवान शिव की लीलाओं को देखते हुए आराम करते हुए, और एक तरह से टूरिज्म पॉइंट भी ये बन गया, पर्यटक स्थल भी बन गया और यात्री सुविधाओं का पूरा ख्याल रखा जा रहा है। तो आराम से सिस्टमेटिक तरीके से उस महाकाल लोक से होते हुए इस महाकाल मंदिर में पहुंचेंगे और महाकाल मंदिर में भगवान शिव को जलाभिषेक करेंगे, उनको पूजन करेंगे और साथ ही साथ भगवान शिव से अपनी मनोकामनाएं पूर्ण करने की बात करेंगे। लेकिन जिस पर्पज़ के लिए महाकाल लोक को बनाया गया है, टूरिज्म पॉइंट ऑफ व्यू से और सुविधाओं की दृष्टि से, दोनों दृष्टि से अभी जो हम देख रहे हैं एक मील का पत्थर साबित होगा, और जब ये दूसरा चरण भी इसका पूरा हो जाएगा उसके बाद हम कह सकते हैं कि यहाँ पर एक भव्यता और दिव्यता जो अभी नज़र आ रही है उससे चार चांद लग जाएंगे, और यात्रियों के लिए और जो दर्शनार्थी हैं उनके लिए एक अद्भुत सा नज़ारा अभी देखने को मिल रहा है। कैमरा पर्सन आशु के साथ अखिलेश सोलंकी, भारत 24, उज्जैन।